अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बारी मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारी मोटर्स पिछले 40 सालों से गाड़ियों की खरीद फरोख्त के हवाले से एक आला और बेहतरीन मरकज है, और अगर आप भी हमसे कोई गाड़ी खरीदना या लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। तो जिस गाड़ी का आज हम रिव्यू लेके आए हैं, इट्स प्रोटॉन X70 फ्रंट व्हील ड्राइव प्रीमियम वर्जन। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम, तो आज जिस गाड़ी का आपके रिव्यू करने जा रहे हैं ये है प्रोटॉन X70। इसमें दो वेरियंट्स होते हैं, एक फ्रंट व्हील होते हैं, एक रियर व्हील होता है। प्रोटॉन में आपको फ्रंट व्हील वाली गाड़ी फुल ऑप्शन, फुल हाउस, बड़ा रिम, चेंज रिम, उसके अलावा फीचर फुल गाड़ी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। इसका नाम प्रीमियम पैकेज है। लुक्स की बात की जाए तो इन्होंने लुक्स थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश की है रेंज रोवर की फ्रंट से, थोड़ी सी, लेकिन एज इट इज़ कॉपी तो हो नहीं सकता। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रोजेक्शन लैंप्स, DRL, इंडिकेटर लाइट, ग्रे, मैट ग्रे फिनिशिंग में आपको ग्रिल मिलेगी। उसके साथ साथ फ्रंट पे पार्किंग सेंसर है, फोग लैंप्स LED हैं और ये सिर्फ एक शार्प लाइन है। उसके साथ साथ कॉन्टिनेंटल का इसमें टायर आता है जो कि 19 इंच का है। रियर व्हील ड्राइव वाली गाड़ी में, जो मतलब ऑल व्हील ड्राइव है, उसमें ये गाड़ी 18 इंच के रिम के साथ आती है। रिम का शेप भी चेंज है। एक और चीज़, 0 मीटर गाड़ी है तो इसके ब्रेक कैलिपर्स जंग हुए हैं, पता नहीं जिस वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी हो, कोई रीज़न अगर आपके भी इल्म में हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा वैसे लुक वाइज ये गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है, लेकिन ओशान X7 इससे बड़ी है, लेकिन इसका जो व्हील बेस है ना, ये दोनों फ़र्क, ये ओशान X7 जितना ही है। उसके साथ साथ यहाँ पर बात की जाए तो लावा लाइट्स, इंडिकेटर लाइट, रिवर्स लाइट, X70 प्रीमियम पैकेज से मुराद फ्रंट व्हील है ये। रेयर वाइपर, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, प्रोटॉन की बैजिंग और नीचे एग्जॉस्ट एक है, लेकिन फेक एग्जॉस्ट जो हर कंपनी यूज़ करती है वो दो हैं। ये रिफ्लेक्टर है, लाइट नहीं है, और ये पार्किंग सेंसर। डोर पैनल में आपको पावर विंडोज मिलेंगी, अगली दो आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी। ये इंडिकेशन देख लें आप, थोड़े से उन्होंने शीशा हाईलाइट किया हुआ है, ये बता रहे हैं कि अगली दो आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी। सेंट्रल लॉकिंग है, मिरर लॉक है। उसके अलावा इधर आ जाए, इधर आपको लाइट्स के सारे फंक्शन मिलेंगे और डिटेक्टेबल मिरर्स मिल जाएंगे। डिग्गी खोलने के लिए भी बटन मिलेगा, लाइट्स के लेवल हैं। उसके अलावा अगर स्टीयरिंग की बात की जाए तो स्टीयरिंग इस गाड़ी का काफ़ी स्पोर्टी है, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि फ्लैट बॉटम पावर स्टीयरिंग इसमें और ओशान X7 में, बाकी गाड़ियों में नहीं है। MG में भी है, लेकिन इनका फील होता है। स्पोर्ट्स फ्लैट बॉटम का मकसद ये है कि गाड़ी स्पोर्टी लुक देने के लिए इंटीरियर में। प्रोटॉन का लोगो, एक कंपनी है होल्डन, उनका भी लोगो एज इट इज़ इन्हीं जैसा है। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है इसमें, मतलब अगर स्पीड स्लो होगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्पीड अप कर लेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आ जाएं तो इधर आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स और मोड्स वगैरह, अब गाड़ी का स्टार्टअप आपको चेक कराते हैं। चेक करें स्पीडोमीटर इस गाड़ी का, 240 टॉप स्पीड है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्रूज के निशान नज़र आ जाएंगे, फ्यूल आ जाएगा जी, फ्यूल कितना पड़ा है कितना नहीं है। उसके साथ साथ 34 किलोमीटर, 0 मीटर गाड़ी है। इस साइड पर आ जाए तो ये देखें, यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट मिलेगा। LED पैनल इसका, अगर गाड़ी ऑन है तो बहुत ही खूबसूरत, और अगर ऑफ है तो जस्ट लाइक आप चीप प्लास्टिक, वैसे अच्छे क्वालिटी का, अगर ये ऑफ है तो फील आती है। उसके साथ साथ साउंड बंद कर दें, यहाँ पर आपको अगर मेन्यू की बात की जाए तो USB ऑक्स है। उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी ठीक है, मतलब ये इसकी, इस पर क्लिक करते हैं AC पे, तो AC की अगर मैं हवा बढ़ाना चाहता हूँ तो ये टच सिस्टम है माशाल्लाह, अभी ऑन हो गया। टेम्परेचर डुअल जोन है, तो ये देखें हवा कम और ये 18, अब ये दोनों को हवा आएगी। उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ जो ये इस गाड़ी की मुझे लगी वो तो एक तो है इसका 360° कैमरा और पार्किंग सेंसर बहुत एफिशिएंट है इसके। उसके अलावा ये देखें 360 कैमरा देख लेते हैं, ये देखें
ये पहले गाड़ी को ओवरऑल दिखाएगा। उसके अलावा अब वो कह रहे हैं कि डोंट रिलाई ऑन दिस कैमरा, मतलब कहने का ये है कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, आपने इधर उधर भी देखना है। एडवांसमेंट का मतलब ये नहीं, अब ये देखें इसका ईट्रॉन की तरह मूविंग नहीं है लेकिन ठीक है। ये देखें साइड से दिखा रहा है, रेयर से गाड़ी बिल्कुल साथ लगी हुई है फ्रंट, और ये देखें उसके साथ साथ मीडिया वगैरह थोड़ा सा ना लैग करती है इसकी स्क्रीन थोड़ा सा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल सारे मिलेंगे, कितने टेम्परेचर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, पार्किंग सेंसर, ईपीबी, इको मोड ग्रीन हो जाती है। स्पोर्ट मोड में एक चीज़ आपको मैंने दिखानी है, अभी आप नोट कीजिएगा, अभी बटन दबाऊंगा तो डिस्प्ले भी चेंज होगा। उसके साथ साथ डाउनहिल असिस्ट सिस्टम और पार्किंग सेंसर। सो व्यूअर्स ये देखें स्पोर्ट्स मोड में डिस्प्ले ऐसे चेंज हो जाता है, और अच्छा साइन आता है कि गाड़ी रेडी टू फ्लाई है, बस इसने झंडा दिखा दिया और भागना है। सो व्यूअर्स वैनिटी मिरर आपको मिलेगा लाइट के साथ। यहाँ पर आपको पूरा एलईडी यूनिट जो आगे का है, पहले तो ग्लासेस होल्डर देख लेते हैं, उसके साथ साथ उसके अलावा लाइट्स यहाँ से भी ऑन होती हैं और यहाँ से भी ऑन होती हैं। ये चीज़ देखिए आपने, यहाँ दोनों के लिए है रीडिंग लाइट्स। उसके अलावा ये जितना आप चाहें ओपन कर सकते हैं, पूरा नहीं, मतलब आप ये फील लेना ले सकते हैं पैनोरामिक की कि आधा ओपन करके चलाएं या पूरा ओपन करके चलाएं। उसके अलावा क्लोज का भी यही आपका बटन है, ये देखिए अब पैनोरामिक खोल के दिखा देते हैं आपको। ये देखें रियर साइड से अगर मैं बात करूं तो कैनवुड का साउंड सिस्टम फोर डोर साउंडिंग है, अच्छी बात है। उसके अलावा रियर पे आ जाए तो ये अगली सीट काफ़ी पीछे है, तो मेरा बुरा हाल है। मेरा रियर एसी, एयर क्लीनर, एयर प्योरीफायर भी इसके अंदर आता है, उस समय भी आता है। दो चार्जिंग सॉकेट्स। उसके अलावा यहाँ की बात की जाए तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी प्रीमियम फील के साथ ये आपको कप होल्डर्स मिलेंगे। और ये देखें अगली सीट काफ़ी पीछे हुई है, तो मेरा बैठना मुहाल हो गया आगे कर। उसके अलावा यहाँ पर आपको एलईडी मिलेगी रीडिंग के लिए, बाकी पीछे से माशाल्लाह नंबर पूरे हैं, परफोरेटेड लेदर है। तो मुनीब ओवरऑल कैसी लगी आपको ये गाड़ी? ओवरऑल काफ़ी एडवांस है। इसका कंपटीशन में आप कौन कौन कंपटीशन में अगर फीचर वाइज देखा जाए, साइज वाइज तो आपको पता है पांच एसयूवी दल मशहूर है हमारे पाकिस्तान में, फीचर वाइज देखा जाए तो ओशान X7 सही और चेरी टीगो से बनता है सब। सही, तो ये एसयूवी है, ये क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर है क्योंकि ये 5 सीटर है और 5 सीटर भी प्रॉपरली 4 सीटर है एक्चुअली। ठीक है, और आप वैसे ही एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जो व्यूअर्स उनको बता दें कि एसयूवी और क्रॉसओवर में फर्क क्या। एसयूवी होती है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, और क्रॉसओवर का आप डेफिनेशन ये ले लें कि सिटी एसयूवी, मतलब शहर में आपने मूव ऑन करना है, स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं आपको फिक्र नहीं होती नीचे ना लग जाए, ज्यादा लोग बैठे हैं आपको ये फिक्र नहीं होती कोई चीज लीक ना हो जाए, जैसे भी मसला आता है सस्पेंशन लीक हो जाते हैं उसे ऑफ रोड करें थोड़ा सा। सही, और ओवरऑल इसकी एवरेज के बारे में क्या कहेंगे? एवरेज इस गाड़ी की बेहतर है बाकियों की नस्बत, तकरीबन 10 से 11 के राउंड अबाउट में दे देती है। कितने सीसी और कितने वेरिएंट्स हैं इसके? 1.5 टर्बो। ठीक, और इसमें इनकी एक अच्छी बात है, इन्होंने फ्रंट व्हील को प्रीमियम रखा है, बाकी कंपनियों ने ऑल व्हील को प्रीमियम रखा है। ठीक है, और तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का प्रोटॉन X70 का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे बारी मोटर्स के यूट्यूब चैनल पर मजीद कार से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।